अभी फिटिंग हो रही है यहाँ पे सारे कंप्यूटर्स की, तो ये 3 कंप्यूटर्स जो है डोनेट हुए हैं। बड़ी गर्मी है गांव में, फैन लगाओ ना, फैन लगा लो अभी से गांव में बड़ी गर्मी है। चलो कुछ रूल्स हैं, आप इसमें नॉमिनी नहीं रख सकते। मतलब हम बैंक अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ पे हमने एक नॉमिनी रखते हैं कि अगर वो बंदा मर जाता है तो उसके पैसे किसको मिलेंगे। तो इस टीम का ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ कोई नॉमिनी नहीं है। यहाँ पे अगर लड़की जिंदा होगी तो तभी पैसे मिलेंगे 1 साल के बाद, नहीं तो पेरेंट्स को भी वो पैसे नहीं मिलेंगे, वो सरकार के पास चले जाएंगे। अब दूसरा इसका ये भी है कि इस स्कीम में आपको क्या करना होता है, पेरेंट्स को हर एक 3 साल बाद एक लीविंग सर्टिफिकेट जाके ऑफिस में सबमिट करवाना होता है, वो भी बैंक के ऑफिस में जाके, कि लड़की जिंदा है। ऐसा भी हो सकती है कि क्या पता लड़की की डेथ हो गई और पेरेंट्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वो भी नहीं। हर 3 साल बाद लीविंग सर्टिफिकेट लड़की का रिन्यू करके दिखाते रहना है ताकि उस स्कीम का फ़ायदा लड़की को मिल सके। इसका ये ज़्यादा इसके रूल्स नहीं है, स्कीम से आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। आप लड़कियों को बोझ ना समझ के उनकी एजुकेशन में वो पैसा लगा सकते हैं। अगर आप नहीं भी लगाना चाहते, एक तरह का इंटरेस्ट के साथ आपको ये चीज़ मिल रही है। आप लोग जो पैसे लगा रहे हैं, आप सबने बैंक अकाउंट खोल रखे होंगे, FD भी आपको पता ही हो क्या होगी, बट वो FD आपको सिर्फ उतनी ही नहीं मिलेगी जितनी आप दे रहे हो, वो इंटरेस्ट के साथ मिलेगी। तो 7 साल का इंटरेस्ट आप खुद सोच सकते हो कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे एक तो ये अवेयरनेस हो जाएगी कि लड़कों लड़कियों में भेदभाव नहीं है। लड़कियों के पैदा होने पर अगर आपको इतना इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप ऑब्वियसली बात है लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहोगे। तो इस स्कीम के अंदर आप हम यही दिखाना चाहते हैं कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, उनको भी मौका मिलना चाहिए, हर तरीके से मौका मिलना चाहिए। पर अगर पुअर पेरेंट्स इन सब नहीं कर पा रहे हैं तो ये गवर्नमेंट आपको लाभ दे रही है। बट ये सिर्फ J&K और लद्दाख में ही पैदा होने वाली लड़कियों के लिए, बाहर अभी तक ये स्कीम अलो नहीं की है ना, ये चल रही है। तो 2015 के आगे जो भी लोग हैं वो लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। बेटा लाडली बेटी जिसको नाम दिया लाडली बेटी, जैसे आपने आपने मानसी ने बताया और आपने सरिता ने बताया, तो काफ़ी हद तक इन्होंने डिटेल्स आपको बहुत सारी बता दी है। तो जो लाडली बेटी स्कीम है वो इसलिए शुरू की गई थी क्योंकि बेटियों का जो सेक्स रेशो था वो बहुत कम था एज़ कम्पेयर टू मेल, फीमेल की रेशो बहुत कम थी। तो उस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट को बहुत निराशा हो रही थी कि जो हमारी लड़कियां हैं वो कितना उनका स्तर जो है वो डाउन होता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो कल को बेटी इस दुनिया को हम कैसे चलाएंगे। इसलिए J&K गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाडली बेटी स्टार्ट की, सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट हुई थी। जो डिस्ट्रिक्ट जम्मू है, हम जब जम्मू प्रोविंस की बात करें तो ये सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स में चलती है, जम्मू कठुआ एंड सांबा में, जहाँ पे फीमेल रेशो बहुत कम था। और आप ऑल ओवर J&K आप कहीं भी जाएं आपको कहीं नहीं मिलेगी, श्रीनगर में है, श्रीनगर पुलवामा ये हैं 3-4 वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ चलती है। तो हमारे जम्मू में जो है जम्मू कठुआ और सांबा में ही है ये जो स्कीम है। तो इसके अंडर क्या है, आपको जैसे बताया कि लाडली बेटी जो स्कीम है वो उन लोगों के लिए है जिनका इकोनॉमिक स्टेटस कम है, जिनकी फैमिली इनकम पूरे साल में 75,000 से कम है, तो वो लोग जो है फॉर्म जो है वो अपने लगा सकते हैं। तो उसमें मेन तो आपको मैंने ये चीज़ बता दी कि फैमिली इनकम जो है उनकी 75,000 से कम होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपका जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपकी जो तहसील, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो 6 मंथ तक वैलिड होता है, जब भी आप बनाते हैं आपका जो भी तहसील पड़ती है वहीं से बनता है इनकम सर्टिफिकेट, तो वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है। तो पहले आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, फिर इसके साथ लगता है बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, इसके साथ साथ आपका लगता है दोनों पेरेंट्स के आधार, फादर का भी मदर का भी, दोनों के आधार लगेंगे, दोनों के ही पैन कार्ड लगेंगे, पैन कार्ड फादर का भी मदर का भी, और दोनों के ही आपके डोमिसाइल भी लगेंगे। डोमिसाइल किस स्टेट, ये हमारे और आपके कहीं भी ऑल ओवर चले जाओ आपको लाडली बेटी स्कीम कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ यहीं पे है।